नेताओं का एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, एक दूसरे को देश में हो रही चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराना अब बहुत आम हो गया है और नेताओं के बयानों से विवाद होना भी अब आम सही हो गया है। लेकिन राजस्थान बीजेपी के एक मंत्री ऐसे हैं जो बार बार ही विपक्ष नेताओं को लेकर बयान देते हैं और उनके हर बयान से अच्छा खासा विवाद भी होता है। वो है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। अब दिलावर ने राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दिलावर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले, एक पल भी कांग्रेस की तरफ देखना पाप होगा, हमने उनको सबको शरण दी है, ये राहुल गांधी की माँ और उसके अगले बड़े जितने भी थे इस धरती माँ ने सबको पाला पोसा है। साथ ही मदन दिलावर ने कांग्रेस पार्टी को बीमारी भी बताया। सुनिए दिलावर क्या कुछ बोले। उसे प्यार करते हो तो एक क्षण भी कांग्रेस की तरफ देखना भी मत, देखना भी पाप होगा, क्योंकि उन्होंने हमको हत्यारा कहा है जबकि हमने उनको सबको शरण दी है, सबको शरण दी है। इस राहुल गांधी, इसकी मार, इसके अगले बड़े जितने थे उनको भी इस धरती माता ने पाला पोसा है, फिर भी इसको गाली देना, यहाँ के रहने वालों के लिए गाली देना महापाप है। आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी में रह लेना, लेकिन आपको हत्यारा करने वाली पार्टी के साथ निगाह भी मत मिलाना, उनके नजदीक भी मत बैठना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी छूत की बीमारी है। छूत की इस कांग्रेस ने हमको बर्बाद करने के लिए क्या क्या किया है, हमारे हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों से बीज फेंका, उसका नाम पता है आपको, विलायती बंबू, अंग्रेजी बंबू। एक और आ गई, पता नहीं कहां से लाए कांग्रेस घास, ये अड़ जाए तो छोरा हो तो क्या हो जाता है, कुचर कुचर चलने लग जाते हैं हमारे उधर आ जाते हैं, कुचर चलने लग जाते हैं। ऐसे अनेक अनेक देश को बर्बाद करने के लिए कोई लाया है यहाँ हमारे देश में संकट, उसका नाम कांग्रेस है। यदि आतंकवादियों को अपना कहा और राहुल गांधी ने कहा, इधर बटाला हाउस में आतंकवादी मारे गए तो मेरी माँ रात भर फूट फूट कर रोई, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि वह हमारे भाई थे आतंकवादी, क्यों मारे गए आतंकवादियों का, उन्होंने अब्बा जी करके बुलाया, आप करके बुलाया, पता नहीं जी करके बुलाया, यानी देश के दुश्मनों को सम्मान देने वाला भी हमारा देश का दुश्मन होता है। इसलिए मित्रों, इस तिरंगा की आन बान शान के लिए सब कुछ मिटा देंगे, लेकिन हम तिरंगे को नुकसान नहीं होने देंगे, इसका अपमान नहीं होने देंगे, इसको झुकने नहीं देंगे, ये हमारे देश की आन बान शान है। और आप सब लोगों ने तिरंगी तिरंगा रैली निकाल करके दिखा दिया है, तिरंगा रैली निकाल कर दिखा दिया है कि देश के देशवासी, चाहे चेचेट हो, चाहे रामगंज मंडी हो, चाहे वो अनेक हो, चाहे बंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, हम सब देश के हर चप्पे चप्पे के लोग इस तिरंगे झंडे के लिए मर मिटेंगे, इस देश के लिए मर मिटेंगे, लेकिन तिरंगे झंडे देश को किसी भी की ना नीचा देखने देंगे, ना नीचा होने देंगे, ना उसको नुकसान होने देंगे। इसी के साथ आप सभी संकल्परत भाइयों बहनों को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। बताते चले, कुछ वक्त पहले भी दिलावर ने आदिवासी समाज को लेकर एक बयान दिया था जिसके बाद बड़ा विवाद भी हुआ था और आखिर में विधानसभा सत्र के दौरान मदन दिलावर को माफी तक मांगनी पड़ी थी। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।